नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 10, 11, 12, 13, 14 दिसंबर 2021 को जो होने वाला 5-डे एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चंबा रिसर्च सेंटर में रवि सन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक फार्मा हेड ऑफिस में होने जा रहा है, हिमाचल इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन के सुजन्या से। इसके अंदर जो हम जिन चैप्टर्स के ऊपर, जिन कुरिकुलम्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आज मैं उसका आपको एक हल्का सा एक ब्यौरा देना चाहता हूँ। इसके अंदर लगभग हम 8 चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। सेकंड नंबर पे डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। नंबर 3 टेम्परामेंट। नंबर 4 पल्स डायग्नोसिस। नंबर 5 सिलेक्शन ऑफ डिजीज एंड रेमेडी। नंबर 6 बोटैनिकल कम लैब डेमोस्ट्रेशन टूर। नंबर 7 डेमोस्ट्रेटिव पेशेंट बाय एक्सपर्ट्स। नंबर 8 डेमोस्ट्रेशंस ऑफ ऑल रविसन प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हम इन 8 चैप्टर के ऊपर जो डिटेल देने जा रहे हैं, इन 8 चैप्टर में जो मेजर 3 चैप्टर को इस बार हम बड़े ब्रॉडली फोकस करने जा रहे हैं, वो है पहला चैप्टर डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी। इसके अंदर हम 2 चैप्टर को पकड़ने वाले हैं। एक तो टेम्परामेंटल स्टडी, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे टेम्परामेंटल स्टडीज के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परामेंट स्टडी एंड प्रैक्टिकल ऑफ टेम्परामेंट। नंबर 3 एडवांस स्टडी ऑफ टेम्परामेंट। दोस्तों, एडवांस स्टडी ऑफ टेम्परामेंट के अंदर हम 100% ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको इलेक्ट्रोपैथी के अनुसार जो डायग्नोसिस करने की टेक्निक है, उसी के ऊपर आपको फोकस करवाया जाए और आपको इतने इजी वे से हम डेमोस्ट्रेशन इसका दें, ताकि आप ना तो किसी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी आप इसके ऊपर ही फोकस करें, ताकि हम अदर सिस्टम से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकें। दूसरा मेजर चैप्टर भी डायग्नोसिस का है, वो पल्स डायग्नोसिस में, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं पल्स डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ पल्स डायग्नोसिस, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताने वाले हैं, स्टडी कैसे करनी है प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एडवांस स्टडी ऑफ पल्स डायग्नोसिस। अगर एडवांस स्टडी ऑफ टेम्परामेंट और एडवांस स्टडी ऑफ पल्स डायग्नोसिस करवाने में हर कोई डॉक्टर कामयाब हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी जो पहचान अपनी एक अलग हट करके दूसरे सिस्टम से अपने आप को डिफ्रेंशिएशन में लाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेडिसिन। दोस्तों, इस बार हम मेडिसिन को फुल डिटेल के अंदर कवर करने जा रहे हैं, ताकि आप सब लोग कैसे सिलेक्शन करनी है मेडिसिन की, कैसे उसका फार्मूला बनाना है, कैसे आपको डिजीज़ को डायग्नोज करने के बाद अल्टीमेट ट्रीटमेंट तक उसको लेकर के जाना है, इन सब बातों के बारे में इन 8 चैप्टर में से इन 3 चैप्टर को हम बड़े ब्रॉड वे में फोकस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है। अगर उसके बावजूद भी किसी को अपना रजिस्ट्रेशन आप आने के इच्छुक रहते हैं नहीं, तो आप उस एरिया के, उस स्टेट के, जो उस स्टेट एरिया के हेड हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वही आपको बता सकते हैं कि आप इस बार के कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं या नहीं। धन्यवाद।